नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का समय है, लेकिन भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। भाजपा ने मिशन 2024 के लिए 27 लोकसभा सीटों का रूट मैप तैयार किया। ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र की सीटें हैं। वर्तमान में इनमें से 20 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा के नए प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने साफ कहा कि हर सीट जीतनी है। इसी रणनीति के तहत अब पार्टी आगे बढ़ेगी। इसी बात का संदेश भाजपा के नए प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पहली बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आगे बढ़े। गाजियाबाद में मिशन 2024 को लेकर भाजपा की पश्चिमी क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र के 35 से ज्यादा संगठनात्मक जिलों और 27 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी, पश्चिमी क्षेत्र अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी जेपीएस राठौर, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी आदि मौजूद रहे। बैठक में पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर किया गया। यह भी कहा गया कि पार्टी ने जो रूटमैप तैयार किया है तो उसके तहत काम करना है। विपक्ष के भ्रमित करने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सभी के नए प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह का स्वागत किया। उसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संदेश दिया गया कि 2014, 17, 19, 22 की तरह 2024 भी भाजपा को जीतना है, अभी से तैयारियों में जुट जाएं। संगठनात्मक स्तर पर पश्चिम क्षेत्र में मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 14 लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें से भाजपा के पास वर्तमान में 8 सीटें हैं। 6 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है। वहीं ब्रज क्षेत्र में आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल की कुल 13 सीटें हैं। इनमें से भाजपा के पास मैनपुरी छोड़कर बाकी 12 सीटें हैं। मिशन 2024 के तहत पश्चिमी और ब्रज के 27 लोकसभा सीटों में 7 हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस है। इसके लिए राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है। ब्रज क्षेत्र में मैनपुरी, पश्चिम क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मुरादाबाद और संभल पर विशेष फोकस है। अन्य 20 सीटों पर भी भाजपा नजर रखेगी। उसके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। इन सभी सीटों की कमान केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों के हाथ में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषय पर वीडियोस हैं। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारे नए नए वीडियोस के अलर्ट भी आपको मिलते रहेंगे। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं।